स्वागत है और एक नए वीडियो पे। तो अभी जा रहा हूँ आर्मी हेरिटेज म्यूजियम पे। लास्ट वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। मैं म्यूजियम जाने के लिए निकला था, लेकिन मुझे एक ब्रिटिश का बहुत ही पुराना सा म्यूजियम मिल जाता है, जहाँ पे बॉलीवुड का काफ़ी सारा मूवीज़ वगैरह शूटिंग हुए हैं। राज 2 भी वहीं पर शूटिंग हुए हैं, तो वहाँ पर घुस गया, काफ़ी टाइम लग गया था। तो अभी जा रहा हूँ और अभी 2 बजने वाला है और 2 बजे बंद हो जाता है शायद, ऐसा है वहाँ पर। तो अभी फटाफट चल रहे हैं। यहाँ का सीनरी देखो, काफ़ी मस्त है। इधर से आ रहा हूँ अभी, काफ़ी सुनसान था जंगल है। इधर 2 भाई साहब चल रहे हैं और नीचे घर वगैरह दिख रहे हैं। बने रहो, अभी आर्मी हेरिटेज म्यूजियम दिखाते हैं कैसा है। तो फाइनली पहुँच गया हूँ, इस रोड से मैं आ रहा हूँ और वहाँ पे देखो, वहाँ पे है गेट आर्मी हेरिटेज म्यूजियम का। तो अभी चलते हैं अंदर। अभी अंदर आ गया हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने लायक। ये देखिए, आर्मी सोल्जर की स्टैचू है, ये काफ़ी मस्त लग रहा है। पंजाबी आर्मी सोल्जर्स का स्टैचू है एंड काफ़ी मेंटेन, साफ सुथरा यार, एक प्लास्टिक नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे, बहुत सुंदर है। ये देखो यहाँ पे, ये जितना भी ये पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला, ये काफ़ी बड़ा सा है, 18 फीट का चौड़ा है शायद, वो पीछे साइड है वहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये फील्ड है, इतना बड़ा फील्ड यार, इतना प्लेन एरिया यहाँ पे। तो यहाँ का कुछ ऐसा है कि ये जो एनाडेल है, ये आर्मी जो पार्क है, हेरिटेज पार्क नॉट पार्क, आर्मी हेरिटेज म्यूजियम, जहाँ पे बहुत सारा यार, बहुत सारा पुराना चीज़, इतिहास, गन्स वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। एंड जो शिमला के फाउंडर थे चार्ल्स कैनेडी, वो सबसे पहले इधर आए थे और इस जगह की उनको खूबसूरती मतलब बहुत अच्छी लगी थी, देख सकते हैं बहुत सुंदर जगह है। तो उन्होंने मतलब उनके गर्लफ्रेंड का नाम से, उनके गर्लफ्रेंड का नाम था एना, तो उन्होंने एनाडेल करके नाम रखा था इस जगह का, एनाडेल गार्डन करके। तो फिर इंडियंस ने एनाडेल करके अभी एनाडेल हो चुका है इस जगह का नाम, एनाडेल ग्राउंड ये वाला। और ये जो है एनाडेल आर्मी हेरिटेज म्यूजियम ऊपर साइड। तो कुछ ऐसे ही वीडियो अलाउ होता तो और अच्छे से दिखाता, अभी फ़ोटो वगैरह ही बस लिया हल्के फुल्के। और ये देखो फील्ड इतना बड़ा है। एंड अभी ये जो है म्यूजियम जो है, ये आर्मी के अंडर में है, आर्मी इसको देखभाल करती है, पहले ब्रिटिश राज के अंदर था, सो अभी इंडियन आर्मी इसको देखती है। ये देखो पीछे का सीन है, ये चैनल है यहाँ पे एक, एंड नीचे कुछ ऐसे, इधर सामने हेलीकॉप्टर प्लेन वगैरह रखा हुआ है, सामने से दिखाते हैं कैसा है। यहाँ पे काफ़ी मेंटेन रखा जाता है, ये देखो घास वगैरह भी काफ़ी मेंटेन रखा जाता है। इधर देखिए आर्मी का जो भी यूज़ करने वाला इन्फेंट्री वगैरह है, सारा इधर रखा हुआ है। इधर एक हॉल है तो इस पे अभी जाएंगे, स्वर्ग हॉल, काफ़ी सुंदर है। अगर आप शिमला आते हो ना, यहाँ ज़रूर आना यार, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी इसके अंदर चलते हैं।
ये सारे देखो जितने भी है ना ब्रिटिश जमाने के, ये हैं गोरखा सोल्जर। ये देखो वो क्या नाम है, प्रमोद तामांग, मस्त लग रहा है यार हाफ पेन में। ये है ब्लू पेट्रोल, ये देखो यहाँ पे सारा कुछ बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। ब्रिटिश ज़माने में ऐसा कुछ हुआ करता था, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ये देखो पुराने फ़ोटो वगैरह, इधर बैंड बाजा का सामान वगैरह, बैंड पार्टी के मेजर। ये देखो यहाँ पे महाभारत वगैरह का खंजर वगैरह, जो पुराने पुराने राजा लोग पहनते थे ना वो सारा, गदा वगैरह तलवार वगैरह। और इस साइड देखो सारा गन्स है, बहुत खतरनाक खतरनाक गन्स, पिस्टल वगैरह सारा कुछ है। यहाँ पे देखो पुराने पुराने टैंक्स वगैरह हैं। और इस साइड में बहुत सारे प्लांट्स वगैरह हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं नाम के साथ में कुछ ऐसा। नीचे जो फील्ड दिखाया था ना आपको, वहाँ पे हॉकी खेलते हैं यहाँ के आर्मी लोग। अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के वीर जवानों का स्टेच्यू, बहुत सारे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे जवान जो कि शहीद हुए हैं उनका बहुत अच्छे अच्छे काम करे गए। एंड कैप्टन विक्रम बत्रा आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि शेरशाह मूवी भी बना हुआ है, तो उनका भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के ही थे और उनका यहाँ पे स्टेच्यू है और दिखाता हूँ अभी। आर्मी हेरिटेज म्यूजियम देख के आ गया हूँ, अभी वापस जा रहा हूँ, इसी रास्ते से आया था तो इसी से अभी वापस जाएंगे। आते समय तो काफ़ी मज़े से आ गया लेकिन अभी काफ़ी ऊंचाई है, अभी भूख भी लग रहा है मेरे को, तो अभी आम खाऊंगा जो ब्रिटिश रिजॉर्ट पे दिया था ना भैया ने, वो आम खाऊंगा अभी। दो आमें दिखाता हूँ, ये देखो मेरे बैग में क्या क्या लेके चलता हूँ। ये लेके नहीं चलता हूँ, ये आम दिया था मेरे को ब्रिटिश रिजॉर्ट वाले भैया ने, और उस रिजॉर्ट पे बॉलीवुड की बहुत सारी मूवियाँ शूटिंग हुई है, राज 2 और बहुत सारी, नाम याद नहीं आ रहा। आप लोग जाके इसके पहले वाला व्लॉग देखना, उस पर आप देखने को मिलेगा। तो अभी हम खाते हैं इन व्यू के अंदर। ये देखो यार क्या सीन है,
इस सिनेरी में आम खाने का मजा ही कुछ और है यार, सही में। और ये आम जो है ना काफी मीठा है, बहुत मीठा, बहुत मीठा यार, बहुत ज्यादा। पता नहीं लोग ना मेरे को, मैं जब खरीदता हूँ ना मेरे को बहुत खराब वाला मिलता है, और जो दूसरे लोग देते हैं ना काफी अच्छा होता है, मीठा होता है। फिर मैं खरीदता हूँ तो बहुत बेकार सा मिल जाता है, इसलिए मेरे को खरीदने का ही मन नहीं करता। चलो आम खाते और चलते हैं यहाँ से। तो मैं म्यूजियम देख के वापस आ गया हूँ और चढ़ाई कर रहा हूँ अभी, पूरा चढ़ाई। ये देखो इधर सामने ये वो जो दिख रहे ना ब्रिटिश जो रिजॉर्ट था जो मैं जाके आया था, वो प्रीवियस वीडियो जाके चेक कीजिएगा। तो अभी चल रहा हूँ गुरुद्वारे पे, और आज रात को गुरुद्वारे पे स्टे करेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, काफ़ी मेहनत लगा सही में। सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक ज़रूर करना। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे कल और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, जय हिंद।